इस वर्ष जो क्योंकि हमारा विजयनगर का ही एक पुल है जो अभी शेष बचा हुआ है, इस पुल पे कार्य हम लोगों ने लगभग 6 माह पहले से पूरी तरह शुरू कर दिया था और संबंधित कार्यदायी संस्था से बात हमने की तो उनका कहना है कि लगभग 1 महीने के अंदर इसमें आवाजाही शुरू हो जाएगी, लेकिन तब तक के लिए क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं और कई सारे बच्चे उसमें आवाजाही कर रहे हैं तो पहले 2 या 3 दिन तो ट्रॉली से आवाजाही हुई है, लेकिन कल से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम 2 बसें वहां पर लगा देंगे और बच्चों को बसेस की सहायता से हम लोग स्कूल तक पहुंचाएंगे। पिछले वर्ष भी हमने किया था, जो भी यात्री वहां पर ट्रॉली से सफर करेंगे वो जो वाटर प्रूफ जो जैकेट है हमारी लाइफ जैकेट वो पहन के करेंगे, इस बार भी हम उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम जुलाई 20 या 25 के आसपास पुल को आवाजाही के लिए खोल देंगे तो जो हमारा एक ही विजयनगर का पुल अभी बचा हुआ है इस पुल पे भी आवाजाही शुरू हो जाएगी।